तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस 5x² - 4/x², ये दोस्तों हमारा क्या है, इंटीग्रैंड है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसके बटे में x² है, तो ईच में क्या करेंगे, सब में भाग कर देंगे, स्पेशली 1 है तो दोस्तों सब में तो पक्का जाएगा ही जाएगा, तो चलिए करते हैं। अब एक्स क्यूब में करेंगे तो x³ हो जाएगा ना, देखिए x³ प्लस, हम अलग अलग ही लिख ले रहे हैं दोस्तों, या आप वैसे भी कर सकते हैं कि पहले हम इसमें भाग दे दें तब हम इंटीग्रेशन का बंटवारा करें, बट यहाँ पर हम पहले ही कर दे रहे हैं दोस्तों कि आसानी हो आपको। अब देखिए अब 5x² में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x² / x². अभी दोस्तों मैं काट नहीं रहा, अभी ओनली भाग दे रहा हूं। अब -4 में जाएगा तो देखिए यहाँ माइनस हो गया, इंटीग्रेट 4/x². अभी हम कर लिए, अब दोस्तों अब काटेंगे, x² से यहाँ जाएगा, 1 टाइम बढ़ जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो x हो गया दोस्तों, क्या हो गया, x dx हो गया, प्लस 5 तो अब बाहर चलाएगा, कॉन्स्टेंट है आपको पता है, बाहर चलाएगा, x² से x² कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब दोस्तों 4/x² है तो यहाँ 4 तो बाहर चलाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/x². अब हमें क्या करना है, ओनली इंटीग्रेट करना है। अब देखिए दोस्तों x का क्या होता है आपको पता ही होगा, x का क्या होता है, x² / 2। अब कैसे होता है, x^n का फॉर्मूला होता है, x^n का इंटीग्रेशन में x^n+1/n+1 आपको अच्छी तरह से पता है, और 1 का तो x होता है अगर जिसके रिस्पेक्ट में होता है, देखिए dx है, dy होता तो y यहाँ पर हो जाता, y ओनली y 5y हो जाता, बट यहाँ पर x है तो 5x हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से x² / 2 हो जाएगा इसका, आपको पता है कैसे, यहाँ तो बताने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। अब 5x हो जाएगा कैसे, 1 का क्या होता है, x होता है, यहाँ पर देखिए, अब -4x - 1/-1, x^-1/-1 हो जाएगा, प्लस c, दोस्तों एक ही कांस्टेंट लिया जाता है, सबका लिया नहीं जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो x² है 1/, x^-1/-1 कैसे हुआ, तो आइए दिखाते हैं, देखिए 1/x² है ना, इक्वल टू x^-2 लिख सकते हैं, क्या, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यही तो करना है हमें, यही तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो -x² का करते हैं, तो x^-2+1 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला है x^n का क्या होता है, x^n+1/n+1 होता है ना, प्लस सी हो गया, ये तो नहीं दोस्तों, -2+1+c हो गया, x^-2+1/-2+1 ये हो गया हमारा। अब दोस्तों ये जब 1 यहाँ प्लस है और 2 माइनस में, जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, x^-1/-1, यही तो यहाँ था, यही तो यहाँ किया गया है, x^-1/-1। दोस्तों एक एक टॉपिक समझाने की प्रयास किया जा रहा है, कुछ छूटे ना, मतलब कि कोई स्टेप ना छूटे। अब -x^-1 हो गया, माइनस हो गया ना, माइनस आ गया बाहर, तो अब एक्स इनवर्स में है तो 1/ में हो जाएगा दोस्तों, -1/x, यही यहाँ पर आया है दोस्तों, तब 4/x हो गया कैसे, अब माइनस है तो -1/x है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4/x हो जाएगा, अब दोस्तों 5x तो 5x ही लिखाएगा, x² / 2 x² / 2, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए बहुत ही इजी है, क्या कहा हमने दोस्तों, 7.1 एक्सरसाइज में यहाँ पर निरीक्षण पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कोई मेथड नहीं यूज किया जा रहा है, ये बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिए ये है सेम वही क्वेश्चन है, क्या हमने कहा, सेम x³, मतलब यहाँ पर वो वाला से हमने मेथड सेम है दोस्तों, x³ + 3x + 4, अब अपान √x। अब दोस्तों ये आप पेन कॉपी तो लेकर ही बैठे होंगे, अब आप करके बताइए इसे कि कैसे होगा, देखिए सेम यही है, बस यहाँ पर अंडर रूट में है, यहाँ वर्ग में दिया है, यहाँ 1/2 हो जाएगा, अब इसी को
जब सब में भाग देकर लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान एक्स पावर 1 अपान 2। अब आप इसमें मतलब भाग देकर लगाइए कि क्या आंसर आएगा। आए आंसर एनसीईआरटी में आप मिलाइए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यस आया है आंसर, तो पता चली कि आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 12th की टोटल कोर्स कंप्लीट कराई जा रही है। ये देखिए दोस्तों इंटीग्रेशन चल रहा है, इसके प्रीवियस सब कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू दोस्तों।